हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा, पीजीटी केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर डिस्कस कर रहे हैं एंड नेमिंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसिडिक करेक्टर फिनोल एंड एलिफेटिक एल्कोहल डिस्कस किया था और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप उसे ज़रूर देखें, बोर्ड एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर रहता है आप लोगों का। आज हम क्लासिफिकेशन का चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ठीक है। देखिए, पहले क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। एक हमारे यहाँ होता है अल्काइल ग्रुप और एक हमारे यहाँ हुआ करता है एराइल ग्रुप, ठीक है। चलिए, आपके पास होते हैं CnH2n+2, जिसे आप एल्केन कहते हैं। एल्केन के मेम्बर जैसे कि मीथेन, जैसे कि आपका इथेन, जैसे कि आपका प्रोपेन और जैसे कि आपका ब्यूटेन, ठीक है। और भी हो सकते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, कुछ भी हो सकता है। जब आप किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो बनने वाला आपका जो ग्रुप हुआ करता है वो होता है आपका अल्काइल, ठीक है। द जनरल फॉर्मूला CnH2n+1, तो ये फाइनली हो जाएगा। अगर आप हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो CH3 मिथाइल, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका C2H5 मिथाइल, और यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा C3H7 प्रोपाइल, प्रोपेन का प्रोपाइल, इथेन का इथाइल, मीथेन का मिथाइल, और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो ये आपका हो जाया करता है ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये तो और ऑल आर एल्काइल ग्रुप, इट इज डिनोटेड बाई आर, ठीक है। हम इन्हें आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके होते हैं एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप आपके एरोमेटिक पार्ट होते हैं। जब भी आप किसी एरोमेटिक पार्ट लाइक बेंजीन में से कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो बनने वाला आपका जो ग्रुप हुआ करता है वो होता है एराइल ग्रुप, और एराइल ग्रुप इट इज डिनोटेड बाई AR, ठीक है। आपके साइक्लिक कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन सॉरी पेंटेन एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन। और जब भी आप किसी साइक्लोहेक्सेन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, ओके। और जब भी आप किसी साइक्लिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो एन का क्या बन जाएगा, आयल, और आपको मिलने वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा साइक्लोप्रोपाइल। ऐसे आप यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा साइक्लोब्यूटाइल, और अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा साइक्लोपेंटाइल, और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल। तो इस तरीके से थोड़े से ग्रुप के बारे में आपको तो आना चाहिए। साइक्लिक है साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्साइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और ये आपका फिनाइल। फिनाइल कहते हैं इसे, आप हम लोग पॉज करके पहले इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। ये सब आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपने अल्काइल, एराइल और साइक्लिक ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जान लिया, ठीक है, तो मैं आपको एक बता दूं कि ऑक्सीजन आपका डाइवेलेंट एटम हुआ करता है। आप देख सकते हैं उसकी टू वैलेंसी फ्री रहती है, टू लोन पेयर होल्ड रहते हैं उसके पास, ठीक है। लास्ट शेयर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सारा खेल है डाइवेलेंट एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाई करने का, मतलब व्हेन टू अल्काइल ग्रुप या तो अल्काइल या आपके एराइल, विच टू अल्काइल ग्रुप अटैच विथ डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम इज नोन एज ईथर, या ईथरल कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। अगर मैं दो अल्काइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ या दो एरोमेटिक पार्ट अटैच कर देता हूँ तो ये हमारे कहलाया करते हैं ईथरल या ईथर्स, ठीक है। इस बेसिस पर 4 टाइप के ईथर्स हम क्लासीफाई कर रहे हैं, 4 टाइप के ईथर। एक तो हमारे हुआ करते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। एक हमारा हुआ करता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हम एक नाम और दे रहे हैं सिंपल ईथर,
ठीक है, और इसको हम एक नाम दे रहे हैं मिक्स्ड ईथर। और एक हमारे हुआ करते हैं एलिफैटिक ईथर, एलिफैटिक ईथर। और एक हमारी हुआ करते हैं एरोमेटिक ईथर, ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, एलिफैटिक ईथर और एरोमेटिक ईथर। और इसके अंदर भी हमारे हुआ करते हैं सिंपल, मिक्स्ड ईथर, सिंपल और मिक्स्ड ईथर, है ना। उसके बाद हमारे यहाँ पे बनते हैं एक और हुआ करता है साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर। तो फाइनली हम ये फाइव टाइप्स के क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। वन बाई वन सबका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे, फिर एलिफैटिक एरोमेटिक की बात करेंगे, और फिर हम लोग करेंगे साइक्लिक की बात। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि आपके जो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल हैं, ये बाकायदा एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, व्हाट इज सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। चलिए बात करते हैं होते क्या है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सिमेट्रिकल की। व्हेन टू सेम अल्काइल ग्रुप, या तो सेम अल्काइल ग्रुप हो या आपके सेम एराइल ग्रुप अटैच्ड हो, ठीक है। अटैचमेंट ऑक्सीजन एटम का देखना है कि अगर आपके ऑक्सीजन एटम से सेम अल्काइल ग्रुप अटैच रहे या आपके सेम एराइल ग्रुप अटैच हो, दैट इज सिमेट्रिकल ईथर। कैसा होगा? सिमेट्रिकल ईथर होगा। अगर मैं अनसिमेट्रिकल की बात करता हूं, when different alkyl group, when different aryl group, ठीक है, अगर आपके different aryl group अटैच रहते हैं, ठीक है, तो वो आपके बना करते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स ईथर, ठीक है। तो यही एक सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन देखना है कि सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हम कैसे पहचानेंगे। मेरे पास CH3 बॉन्ड OCH3 है, एक मेरे पास C2H5 बॉन्ड OC2H5 है, मेरे पास एक मेरे पास C3H7 बॉन्ड OC3H7 है मेरे पास, और एक है मेरे पास C4H9 बॉन्ड OC3H7। आपको क्लासिफाइड करना है कि कौन सिमेट्रिकल होगा और कौन अनसिमेट्रिकल होगा। आपको ये देखना है कि जो डाइवेलेंट ऑक्सीजन है आपका, उसके दोनों तरफ की जो वैलेंसी है वो सेम है, मतलब दोनों तरफ के जो ग्रुप हैं आपके अल्काइल ग्रुप जो है वो सेम है या डिफरेंट है। तो ये भी एमई है, ये भी एमई है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, सेम ग्रुप, दिस इज सिमेट्रिकल। ये थाइल है, ये भी थाइल है, दोनों सेम है, ये भी सिमेट्रिकल होगा सर। ये प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है, ये भी सर सिमेट्रिकल होगा। लेकिन ये सर, ये ब्यूटाइल है, ये प्रोपाइल है, ये आपका अनसिमेट्रिकल होगा। इस तरीके से आप जज कर सकते हैं। आपको दोनों तरफ के अपने ग्रुप चेक करने हैं कि किस तरीके के ग्रुप अटैच्ड हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, एक आध और देख लेते हैं। ये मेरे पास है C6H5 बॉन्ड ओ C6H5। आप देख सकते हैं डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम्स के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ आपका फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। सर ये तो सिमेट्रिकल होगा, लेकिन अगर मैं ये लिख देता C6H5O CH2 C6H5, सर ये मेरा अनसिमेट्रिकल होगा, क्योंकि ये फिनाइल है तो ये मेरा बेंजाइल ग्रुप होगा, है ना। आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं ग्रुपों को देखकर, ठीक है। तो ये बात तो हो गई मेरी सिमेट्रिकल की, और ये हो गई मेरी बात अनसिमेट्रिकल की। पूछा गया है, लिख सकते हैं खुद से, अगर दो वैन टू सेम एल्काइल ग्रुप अटैच विद डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम सिमेट्रिकल एंड डिफरेंट अटैच होंगे तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हटा देते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात हो चुकी है। और सिमेट्रिकल का एक और नाम क्या दे रखा है हम लोगों ने, सिंपल ईथर। क्या कहते हैं हम उसे? सिंपल ईथर कहते हैं। और अनसिमेट्रिकल का एक नाम और हम लोगों ने दे रखा है, क्या कहते हैं उसे हम सर? उसे हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे एलिफैटिक ईथर की, एलिफैटिक ईथर की। चलिए एलिफैटिक ईथर में व्हेन टू अल्काइल ग्रुप, ओनली अल्काइल ग्रुप आपको चाहिए, ठीक है। व्हेन टू अल्काइल ग्रुप अटैच विद डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम, ओनली अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, नॉट एरोमेटिक पार्ट। अगर अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो वो आपका एलिफैटिक ईथर होगा। जैसे कि CH3 बॉन्ड ओ CH3, सर ये एलिफैटिक होगा क्योंकि CH3 भी एलिफैटिक है, ये भी एलिफैटिक है,
C2H5 बॉन्ड ओ C2H5 जी, ये भी दोनों पार्ट एलिफेटिक है, ठीक है। C3H7 बॉन्ड ओ C4H9 ये भी एलिफेटिक होगा। वो बात एक अलग है कि ये कंसिमेटिकल ईथर होगा, लेकिन ये किस कैटेगरी में आएगा, ये एलिफेटिक ईथर की कैटेगरीज में आएगा, क्योंकि दोनों पार्ट आपके कैसे हैं, अल्काइल है, एलिफेटिक है, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास आते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक ईथर जो हुआ करते हैं, ठीक है, व्हेन टू एरोमेटिक पार्ट अटैच विद डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम, अगर दो एरोमेटिक पार्ट आपके डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है तो वो आपका एरोमेटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, जैसे कि ये है मेरे पास एक ईथर, ठीक है, ये आपका एक एरोमेटिक ईथर का एग्जाम्पल होगा, आप देख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा एरोमेटिक ईथर होगा, ठीक है, ये भी हमारा एरोमेटिक ईथर होगा, ठीक है, ये हमारे एरोमेटिक हो गए क्योंकि दोनों तरफ एरोमेटिक पार्ट अटैच्ड है, और ये सारे के सारे हमारे एलिफेटिक हो गए क्योंकि दोनों तरफ आपके एलिफेटिक पार्ट अटैच्ड है। अब सबसे लास्ट में आता है साइक्लिक ईथर। क्या आता है हमारा साइक्लिक ईथर आता है, इसे पॉज करके हटा लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे साइक्लिक ईथर की, ठीक है। चलिए, अगर आपका डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम, अगर आपका डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम किसी रिंग में अटैच्ड है, किसी रिंग में कार्बन की रिंग के साथ अटैच करता है, तो वो फॉर्म्ड करता है एक साइक्लिक ईथर का, ठीक है। अगर आपका ऑक्सीजन किसी रिंग के पार्ट में अटैच रहता है, किसी को साथ रिंग फॉर्म्ड करता है, तो वो आपके होता है साइक्लिक ईथर, और इस कंपाउंड को हम ऑक्सीरेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीरेन कहते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑक्सीरेन कहते हैं इसे, ठीक है। अभी इसके नेमिंग की बात करेंगे तो वो आगे चर्चा रहेगी, आज ओनली क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं साइक्लिक ईथर के, ये भी एक आपका साइक्लिक ईथर है, ठीक है। फ्यूरॉन, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये भी आपका एक साइक्लिक ईथर होगा, ठीक है, ये भी आपके साइक्लिक ईथर्स होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्लासिफिकेशन हमारे 1x1, फिर हम वापस बोलता है, मैंने एक डिस्कस किया था सिमेट्रिकल, एक किया था अनसिमेट्रिकल, एक एलिफेटिक, एक एरोमेटिक और एक साइक्लिक, सब डिपेंड करते थे आपके डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम पर। अगर डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो वो सिमेट्रिकल ईथर होंगे, अगर दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है या डिफरेंट एरोमेटिक पार्ट अटैच्ड है तो वो आपके अनसिमेट्रिकल होंगे, अगर दोनों के साथ ओनली अल्काइल ग्रुप है तो वो आपके एलिफेटिक होंगे, डाइवेलेंट ऑक्सीजन के साथ ओनली अगर एरोमेटिक पार्ट अटैच्ड है तो वो आपके एरोमेटिक ईथर होंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन एटम आपका किसी, अगर ऑक्सीजन एटम आपका क्या कर रहा है, कोई साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करता है, तो वो आपके साइक्लिक ईथर होंगे। इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं, क्लासिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें एक दो पॉइंट और हमको जानने हैं, फिर हम नेमिंग की चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, CH3 बॉन्ड ओ, आप इसे मिथाइल कहते हैं, जब वो ऑक्सीजन से अटैच होगा तो हम इसे कहते हैं मिथॉक्सी। क्या कहते हैं? मिथॉक्सी, ओके। तो इसका नाम होगा हमारा मिथॉक्सी। C2H5 बॉन्ड ओ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इथॉक्सी। C3H7 बॉन्ड ओ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपॉक्सी। C4H9 बॉन्ड ओ, इसे हम क्या कहेंगे? बिटॉक्सी, ओके। C6H5O, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसे हम लोग कहेंगे फिनॉक्सी। ये सब आपको आना चाहिए भाई, व्हाट इज मिथॉक्सी, व्हाट इज इथॉक्सी, व्हाट इज प्रोपॉक्सी, व्हाट इज बुटॉक्सी, व्हाट इज फिनॉक्सी, कैसे बन रहा है आपको देखना है। अगर एमी डाइवेलेंट के साथ है तो मिथॉक्सी, इथाइल डाइवेलेंट के साथ है इथॉक्सी, प्रोपाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ है प्रोपॉक्सी, ब्यूटाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ है तो बुटॉक्सी, अगर फिनाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ है तो फिनॉक्सी, ठीक है। चलिए और देख लीजिएगा, आप इसको कहते थे साइक्लोप्रोपेन, आप इसको कहते थे साइक्लोब्यूटेन, आप इसको कहते थे साइक्लोपेंटेन, ये भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहते थे साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर आप इन्हें रिंग के साथ एसोसिएट कर देंगे
ठीक है, अगर आप इन्हें ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट एटम के साथ एसोसिएट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अटैच कर देंगे, ये तो ये आपके क्या बन जाएंगे, साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपेन का क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोब्यूटॉक्सी, साइक्लोपेंटॉक्सी और साइक्लोहेक्सॉक्सी, ओके, इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे, आपके ये सब काम में आएगा जब हम नेमिंग करेंगे, मेथॉक्सी, इथॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, इथॉक्सी, फिनॉक्सी, साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोब्यूटॉक्सी, ये सब आपके काम आएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा इन सारे ग्रुप्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम नेमिंग का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।